नेटफ्लिक्स का शो हीरा मंडी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आम दर्शक के साथ फिल्मी सितारे भी इस वेब सीरीज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। संजय लीला भंसाली ने इस शो से ओटीटी की दुनिया में कदम रखा है। इस बीच निर्देशक इस वेब सीरीज के लिए ली गई फीस को लेकर चर्चा में आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हीरा मंडी के लिए भंसाली द्वारा की ली गई फीस सभी कलाकारों के मेहनताने के कुल योग से भी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए भंसाली ने 60 करोड़ रुपए की रकम वसूल की है। बताया जा रहा है कि कलाकारों में सबसे ज्यादा फीस सोनाक्षी को मिली है। रिपोर्ट्स के दावों की माने तो अभिनेत्री ने वेब सीरीज के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। ऐसे में अगर तुलना की जाए तो भंसाली की फीस सोनाक्षी से 30 गुना अधिक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हीरा मंडी के अन्य सितारे मनीषा कोइराला, ऋचा चड्ढा, अदिति राव हैदरी, शर्मिन सहगल और संजीदा शेख ने 2 करोड़ रुपए से कम शुल्क लिया है। इसके साथ ही भंसाली ने फीस चार्ज करने के मामले में रोहित शेट्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। वे ओटीटी पर भारत के सबसे अधिक भुगतान प्राप्त करने वाले निर्देशक बन गए हैं। रोहित शेट्टी ने प्राइम वीडियो के इंडियन पुलिस फोर्स के लिए कथित तौर पर 20-30 करोड़ रुपए के बीच फीस ली थी। हीरा मंडी की बात करें तो मौजूदा समय में यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। शो को लोगों और समीक्षकों की सकारात्मक समीक्षा मिली है। बड़ा दर्शक वर्ग इस वेब सीरीज की भव्यता की जमकर प्रशंसा कर रहा है। इसमें फरदीन खान, शेखर सुमन और अध्ययन सुमन ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग समाग्राम।